चोर, बिकते घर की लड़की मेरी मणि चुराती है। बता कहाँ है मणि? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। देख लड़की, मेरी मणि वापस कर दे। तुझे क्या लगता है, तू मेरी मणि डकार जाएगी? मैं तेरे हलक से बाहर निकालूंगी, आखिर मैं भी तो हूँ महामाया गुरु घंटाल की चली। मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपकी मणि नहीं चुराई। मर जा! ये लड़की तब से पटर पटर किए जा रही है और आप चुपचाप खड़े हुए हैं। नहीं मैं वो, जब से मैं शहर में आई हूँ ये लड़की मेरी मणि के पीछे पड़ी हुई है और मैंने खुद इसे दो बार पकड़ा है, बच्चे समझ के छोड़ दिया है। लेकिन लड़की, तुझे आज मैंने पुलिस के हवाले करके डंडे नहीं खिलवाए तो मेरा नाम भी महामाया नहीं। क्या बकवास कर रही है, फ्रूटी और चोरी हो ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हारी भतीजी लगती है। देखिए मैडम, आप मेरी बेटी पर फिजूल का इल्जाम लगा रही हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई भी हो सकता है चोर। बिल्कुल नहीं, मैंने खुद से दो बार पकड़ा है, पूछिए पकड़ा है कि नहीं। हाँ, पकड़ा है, लेकिन वो तो मैं बस सुन लिया ना आपने, चोर यही है, मणि छिपाई है इसने और फिर छड़ी भी तो इसके पास थी ना। मेरी मणि वापस कर दे वरना मैं तेरे को चूहा बना दूंगी। ले ले। यस मैडम। तलाशी लो इसकी। अभी लेते हैं। कहाँ है मणि? मैडम, इसके पास तो मणि नहीं है। देखा, हो गई ना तसल्ली? बिल्कुल नहीं, चोर यही है, कहीं छुपा दिया होगा इसने मणि। अरे यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई भी चोर हो सकता है, अब बाकी सबकी तलाशी क्यों नहीं लेती? ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। सिक्योरिटी, सब दरवाजे बंद करो, चलो सबकी तलाशी लो। पकड़ो इन्हें और पहले इनकी तलाशी लो। इनके पास में कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है? और कुछ नहीं है। मैनेजर, yes, पुलिस को फोन करो। yes, पुलिस। मुझे इसी पे शक है, जब तक पुलिस आती नहीं है इसे कमरे में बंद कर दो। yes, जाओ। yes, तो मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। लेकिन आंटी, अब तो आपके पास मनी नहीं है, अब आप इन्हें कैसे चूहा बनाओगी? देखिए मैडम, आप फ्रूटी पे गलत इल्जाम लगा रही है, फ्रूटी बेकसूर है। वो तो आप पुलिस ही बताएगी। जाओ। yes, ma'am. एक मिनट, अगर किसी ने भी इस लड़की को छूने की भी कोशिश की तो मैं उसका कचूमर बना डालूंगा। अच्छा, कैसे? इस गदा से। चलो अंदर बैठ जाइए वहां, और भागने की कोशिश नहीं करना। देखिए, बच्चे को इस तरह कैद करना गैर कानूनी होता है। अरे साहब, एक बार पुलिस आ जाए इन्हें छोड़ दिया जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म। आप फिक्र मत कीजिए, बच्चे के लिए खाना पीना पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ का पुलिस कमिश्नर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो साहब, ये तो और अच्छी बात है, पुलिस जल्दी आ जाएगी, बच्ची जल्दी छूट जाएगी। मुख्य देखिए, आप जाइए पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस आएगी बच्ची जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वापस। मैं वापस आ रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर मेरा अच्छा दोस्त है और बच्ची चोरी करती है। लॉक कर दिया ना? यस सर। तो जाओ। गो। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा गुरु घंटाल की आखिरी निशानी। ताला लगा है, अब हम फ्रूटी को कैसे बाहर निकालेंगे? ये क्या है? अरे कुछ करो ना। शांति रखना भाई, ये है ना हर मर्ज की दवा। फ्रूटी, चलो चलते हैं। चलो। एक मिनट, तुम्हारे हाथ में छड़ी आई कैसे? पता नहीं, चोर अंधेरे में मुझ पर फेंक कर चला गया। तो तुम उसे फेंक दे दी, हाथ में क्यों पकड़ के रखा? मुझे क्या पता था कि वो मामा की छड़ी है, मैंने सोचा कि उजाला होगा तब मैं देख लूंगी। तुमने चोर को देखा? नहीं। इसका मतलब अब सारा इल्जाम तुझ पे जाएगा और पुलिस तुझी को पकड़ के ले जाएगी। अबे चुप। फ्रूटी, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो चल के चोर का पता लगा दे, कहीं पुलिस के आने से पहले अगर चोर मणि लेकर भाग गया तो। चलो चलो। क्या हुआ? बाहर पुलिस का फेरा है। अब क्या करें? पुलिस, पुलिस।
ये रिसोर्ट के सिक्योरिटी वाले को पुलिस वाला समझ रही है। वो देखो उसके हाथ में क्या है? पता नहीं, चलो उसका पीछा करके देखते हैं। फ्रूटी, फ्रूटी कहाँ चली गई? कहीं उसे पुलिस तो पकड़ के नहीं लेगी? ओहो, कितने शर्म की बात है अल्तू, तेरे रहते हुए अब पुलिस पता नहीं क्या हाल करेगी उसका, और अगर सोना को पता चल गया तो वो मेरा हाल क्या करेगी? ओ अल्तू, तूने पहले सोना को बुलाने का क्यों नहीं सोचा? ठीक है, अब बुलाता हूं। इक्तू, पिक्तू, जीम, बतूता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने गलती ना की होती तो ये नौबत कभी ना आती। और तुम तो मैडम की बगल में बैठे हुए थे, फिर ये कैसे हो गया? मुझे क्या मालूम ये कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की थी? खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मैं तो कहती हूँ जो माल बटोर लिया है उसको लेकर निकल चलते हैं। लिली, ये इतना सिंपल नहीं है, चारों तरफ पहरे हैं। फिर तुम ही कुछ सोचो, हमें क्या करना चाहिए? पकड़ लिया। कमरे से भाग के यहाँ तक तो आ गए, यहाँ से कैसे जा पाओगे? चुप, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। अरे और ये लाठी नहीं, हवालदार का डंडा है। बच्चों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आ गए हैं। तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं, इंस्पेक्टर सोनिया कपूर, CBI। मासूम बच्चों को परेशान करता है बेईमान। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, इसी ने चुराया मणि। आप चाहो तो इसकी बैग भी चेक कर सकते हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं चुराया। अरे बैग मत। क्या? ये क्या? मैं तो यहाँ खाना खाने आता हूँ। खाना खाने यहाँ जंगल में? मुझे क्या खाने और पीने की आदत है ना। क्यों, रिसोर्ट में खाने में शर्म आती है? हवलदार साहब, क्या है मेरे रिसोर्ट का मालिक बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ खाने नहीं देता, शराब पीने नहीं देता, नॉनवेज नहीं देता वहाँ पे, इसलिए यहाँ आके खाना पीना करता हूँ। नौकरी का सवाल है? ये झूठ बोल रहा है, ये अक्सर माँ माया के कमरे के पास चक्कर काटता रहता है। अरे बेटा, मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है कि वॉक किया करो, मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ। साहब जी। अरे अच्छा हो गया, आ गए यार। आज मैं आपके लिए तंदूरी चिकन लाया हूँ। अरे जाओ यहाँ से, खाना मत, ये मैं आऊंगा। अच्छा, आपने देख लिया, यकीन हो गया आपको तंदूरी चिकन? मैं अगर मणि इन्होंने नहीं चुराया है तो फिर चुराया किसने? रूबी आंटी और दीपक अंकल। क्या, रूबी आंटी और दीपक अंकल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।